तो आज का अपना पहला टाइटल है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब देखो टेट्राहेड्रन होता क्या है, इसके बारे में अपने देखा हुआ है। पिरामिड टाइप होता है जिसके चारों फेसेस पर ट्राइंगल लगा हुआ होता है, ठीक है, यही होता है। अब देखो टेट्राहेड्रन का पहले अपन एक डायग्राम बना देते हैं। जैसे ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रन बना। अब ये देखो ये क्या है, यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेन है ये यहाँ पे। अब इसी के ऊपर ये वाला भी है एक फेस, ये वाला भी फेस है और एक पीछे वाला भी फेस आ रहा है, मतलब टोटल चार ट्राइंगल है, एक बेस पे है, बाकी तीन इधर उधर है। पहले बताया हुआ है अपन ने इसके बारे में अच्छे से। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। अब देखो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/2 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो ये निकल के आएगा 1/3, सॉरी ये आएगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब अपन को बेस का एरिया भी निकालना है और हाइट भी निकालनी है। अब बेस का एरिया कैसे निकालोगे, तो देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका ये ए बी सी, तो अगर ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर ले लो तो 1/2 ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर ही क्या हो जाता है, उसका एरिया हो जाता है ट्राइंगल वाले फॉर्म में। तो ए बी सी तीन वर्टिसेस हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, और ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर होगा भी क्या, वो इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर वैक्टर को भी शो करता है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैंने इसके परपेंडिकुलर एक वैक्टर मान लिया, इसको मैंने क्या बोला, एन वैक्टर। अब एन वैक्टर की वैल्यू कितनी है, एन वैक्टर की वैल्यू है ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, समझ आए क्या हुआ, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। तो ये एन वैक्टर भी है और ये ए बी सी वाले प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर भी है, और यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, बेस एरिया, तो 1/3 इंटू 1/2 है ना, अभी मैं एन वेक्टर ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ मैं, एन वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है, एन वेक्टर का मॉडुलस मतलब ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस, वही लिखने की जरूरत है। अब देखो जो एरिया आता है ना, वो अगर आप सीधे भी याद रखो तो रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एक बार के लिए अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला निकल के कैसे आया। तो ये तो हो गया, अब हाइट कैसे करोगे, अब हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ये जो ओ बी वैक्टर होगा ना, या फिर ओ ए वैक्टर ले लो, हाइट इक्वल्स टू हाइट के लिए अपन को क्या करना है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो अपना ओ ए वैक्टर है ना, ये जो अपना ओ ए वैक्टर है इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन ले लो, तो अपन के पास क्या निकल के आ जाएगी, हाइट निकल के आ जाएगी पूरी, समझ आया क्या होगा। अब के सर आप ओ ए से क्यों ले रहे हो, आप ओ बी से क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये तो देखो इतनी नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना, नहीं ये नीचे से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये एक प्लेन पे है, तो ए बी सी तीनों एक 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 ही प्लेन पे है, ऐसा नहीं ए बी नीचे है ए ऊपर है, नहीं वो अपन को डायग्राम में दिख रहा है, बाकी ये एक प्लेन पे है। तो मैं ए से लू बी से लू या सी से लू एक ही बात है, तो मैंने ए से ले लिया, तो ओ ए का किसके ऊपर प्रोजेक्शन, इसको इधर गिरा दो इसके ऊपर, देखो मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं, इसको मैंने इसके ऊपर गिरा दिया तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो अपन को ये वाली लेंथ बतानी है। अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला अपन को आता ही है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ही अपन यूज करते हैं, ओ ए वैक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एन वैक्टर, यही है ना, तो ओ ए वैक्टर क्रॉस एन वैक्टर, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है वो फॉर्मूले में ज्यादा आता है, डॉट आएगा अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। अब ये एन वेक्टर के मॉडुलस है तो एन वेक्टर के मॉडुलस कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास 1/6 हो गया, ये बाहर आके 1/6, अभी अंदर कितना बचा, ओ ए वेक्टर। अब इसका पोजीशन वेक्टर सपोज करो ए वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज करो बी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज करो सी वेक्टर है, तो ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट। अब यहां पे एन वेक्टर की वैल्यू क्या है, एन वेक्टर की वैल्यू तो ये थी पूरी ए बी क्रॉस ए सी। अब ए बी क्या होगा, पोजिशन वैक्टर अभी आ गए, तो मैं ए बी को लिख सकता हूँ बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर क्रॉस ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपको आ गया ये अच्छे से समझ में, ठीक है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, वो जो नॉर्मल वाला मेथड है ना, इसको पहले इससे ऐसे सॉल्व करोगे ना, तो ये देगा अपन को बी क्रॉस सी, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, 1/6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आया, ये एग्जैक्टली होता क्या है, ए बी सी का बॉक्स, तो ये रिजल्ट निकल के आया है, मतलब इसके अंदर ट्रिपल प्रोडक्ट पे ही बेस्ड है अपना क्या, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या है,
वन अपॉन सिक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, या फिर वन अपॉन सिक्स ए वेक्टर एग्जैक्टली है क्या, ओ ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर, समझ आ गया। तो ये वॉल्यूम है, सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना किस टाइप से आया, इतना ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो देखो अगर आपको ये समझ आया है ना, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बना दूँ टेट्राहेड्रन, मेरा टेट्राहेड्रन कुछ इस टाइप से है, ये और ये वाला पॉइंट डी हो गया, इसको मैंने ए बी सी बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे तो ओ ओरिजिन था, अभी इसका आपसे क्या पूछ लिया, इसका वॉल्यूम पूछ लिया, तो इसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू वन अपॉन सिक्स इंटू, वेक्टर निकालोगे तो कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लेना कि सर हमेशा ऊपर वाले से ही लेंगे क्या, डी ए वैक्टर डी बी वैक्टर डी सी वैक्टर ऐसा ही लिखोगे क्या, आप नहीं, आपको ऐसे लेना हो ऐसे भी ले सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, डी ए वैक्टर डी बी वैक्टर डी सी वैक्टर, जैसे यहाँ पे क्या था ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर ओ सी वैक्टर, वही तो निकल के आया था। तो अगर ए बी सी और ओरिजिन कुछ और दिया हुआ तो ऐसा आ जाएगा। अब यहां से एक पॉइंट और निकल के आता है, देखो ये चार पॉइंट ही तो है ना, ये है क्या अपने पास, ये एग्जैक्टली एक प्लेन के ऊपर या 3D में चार पॉइंट है, एक ए बी सी डी चार पॉइंट है। तो एक पॉइंट और क्या निकल के आया, एक पॉइंट और निकल के आया, इफ ए ए वेक्टर जिसका पोजिशन वेक्टर है बी बी वेक्टर सी सी वेक्टर एंड डी जिसका पोजिशन वेक्टर डी वेक्टर है आर कोलिनियर, अगर एक ही लाइन पे होंगे कोलिनियर होंगे या फिर कोप्लेनर होंगे, अगर कोप्लेनर होंगे तो टेट्राहेड्रन बनेगा क्या, नहीं, उसमें वॉल्यूम ही कहां से होगा, कोलिनियर या फिर मैं क्या बोल दूंगा कोप्लेनर। अगर चार वेक्टर कोप्लेनर हो तो उनके लिए जरूरी है कि जो उनसे बनने वाला टेट्राहेड्रन है ना उसका वॉल्यूम कितना हो, जीरो हो। तो सीधा का सीधा क्या रिजल्ट आ जाएगा, वॉल्यूम जीरो करोगे तो 1/6 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/6 जीरो की तरफ जाके वैसे जीरो हो जाएगा। सीधा क्या लिख दोगे, बॉक्स ऑफ कोई सा भी ले लो, जैसे मैंने डी वही वाला ले लिया, डी डी ए वैक्टर डी बी वैक्टर डी सी वैक्टर बॉक्स इक्वल टू जीरो होगा, तो चारों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। समझ गए ना आप, कोलिनियर मतलब एक ही प्लेन में, जैसे ए बी सी एक प्लेन है, तो अगर ये ओ पॉइंट छोटा होते 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 अगर ये ओ पॉइंट यहीं पे आ गया तो ये एक प्लेन पे हो गए, तो अभी ये ऊपर उठा गया, कुछ ऊपर उठा ही नहीं, तो वॉल्यूम कहां से होगा, वॉल्यूम तो वो होता है ना जिसके अंदर आप कुछ भर सको, पानी भर सको एयर भर सको, जैसे ये अपना रूम एक रूम का वॉल्यूम होगा क्योंकि ये क्यूब है क्यूबॉइड है, पर एक जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया तो ये तो 2D फिगर है ना, एक प्लेन पे 2D प्लेन पे, तो इसका थोड़ा ना ट्रायंगल का वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा गया कभी, ट्रायंगल का वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं देखा होगा आपने कभी, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी देखो आगे चलते हैं, एक दो पॉइंट और इस पर बेस्ड वो मैं लिख देता हूँ, इसके बाद अपन आगे चल रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। उससे पहले देखो दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद होने चाहिए, जैसे पहला वाला जो रिजल्ट है ना ये तो इम्पोर्टेंट है, सीधा ध्यान रखना इसको, क्या है ए बी सी, तो एक नया कोई वेक्टर आ गया जैसे डी बी सी, मैंने ए की जगह डी लिखा, फिर मैंने बी की जगह डी लिखा, फिर मैंने सी की जगह डी लिखा, तो ये तीनों ए का सम इसके इक्वल होगा। तो ध्यान रखना ये जो रिजल्ट है कभी कभी एग्जाम में सीधा ही पूछा जा सकता है, ठीक है, ए बी सी। तो एक बार ए की जगह डी आया, फिर एक बार बी की जगह डी आया ए और सी वैसे के वैसे, फिर एक बार सी की जगह डी आया ए और बी वैसे के वैसे, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो जो रिजल्ट है ये भी, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी जेई एडवांस में पूछा जाए तो पूछा जाए, या फिर सीधा कोई क्वेश्चन आ गया तो है, बाकी अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। रिजल्ट क्या है, S1, S2, S3, S4 बी द सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगल फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो अपना टेट्राहेड्रॉन बना ये, ठीक है, तो ए बी सी डी चार फेसेस हैं, तो ये सपोज करो S1 है बेस वाली, फिर S2 हुई और फिर ये S3 और S4 इसके जस्ट पीछे होगी, ये ए बी डी पीछे वाला जो होगा ना S4 होगा, तो चारों का सरफेस एरिया है अपने पास, मतलब इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया है, इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया है और उधर वाले ट्रायंगल का, चारों का एरिया है विद वॉल्यूम V, और इसका वॉल्यूम कितना है 6, जो अपन ने इससे पहले वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, कितना 1/6 बॉक्स ऑफ तीनों वेक्टर ले लेना ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर। तो क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है ये, देन रेडियस R
ऑफ स्पेयर टचिंग ऑल फोर फेसेस इज. तो अगर मैंने टेट्राहेड्रन के अंदर एक स्पीयर बना दिया ना, एक ऐसा स्पीयर बना दिया जो इसकी चारों फेसेस को टच कर रहा है, मतलब अगर अपन सर्किल की बात करें तो इन सर्किल जैसे, ये इन सर्किल जैसे. तो अगर वॉल्यूम वाला है, टेट्राहेड्रन है, तो उसमें तो एक फुटबॉल ही आएगी ना, एक स्पीयर ही आएगा. सर्कल तो जान सकता, सर्कल तो 2D इमेज होती है. तो उस स्पीयर की रेडियस कितनी होगी? तो सीधा ही आंसर है 3V. 3 मतलब 3 इंटू वॉल्यूम अपॉन S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4. इसका डेरिवेशन भी है, पर देखो कोई इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है. कभी कभी पूछा गया, बट मेरे हिसाब से जेई मेन में तो शायद ही पूछा जाए, जेई एडवांस में फिर भी कभी पूछ सकते हैं वो. तो ध्यान रखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई मेन की दृष्टि से तो बिल्कुल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, अभी आगे चलते हैं अपन. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो देख लिया, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, या बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए. ये क्या था अपना? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था. स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट है ना, तो रिजल्ट क्या होगा? स्केलर होगा. नेक्स्ट आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या होगा? एक वेक्टर होगा. तो देखो ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू सीधी ए डॉट सी इंटू, अभी नॉर्मल वाला इंटू है, ब्रैकेट जो है ना, नॉर्मल ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई डॉट और क्रॉस नहीं है. मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी इंटू बी. जैसे सपोज करो इसका आंसर 2 आया, तो ये 2B वेक्टर माइनस 3C वेक्टर ऐसा शो होगा. तो दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा? एक वेक्टर रिजल्ट ही होगा. पहले तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई डॉट क्रॉस नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है, मतलब नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है आपको. और ये ए सी बी माइनस ए बी सी, या तो आपको याद रखना है, ऐसे याद रख लो, या फिर देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ. तो सीधा ध्यान क्या रखना है, 1 1 3 2 माइनस 1 2 3. अगर आप इसे इस तरीके से याद रखोगे तो भी कभी नहीं भूलोगे. क्या बोला मैंने सीधा? 1.3 2 माइनस 1 2 3 ऐसे, 1 3 2 माइनस 1 2 3, 1 3 2 माइनस 1 2 3. स्टेप से याद रखोगे तो भी मिस्टेक नहीं होगी कभी. जैसे ये देखो, ये क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए डॉट सी 1 3 ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, वही स्टेप से याद रखना, 1 3 2 माइनस 1 2 3. यही सबसे ईजिएस्ट मेथड है, सारे टीचर्स यही बताते हैं और भूलोगे नहीं आप कभी. अब देखो ये होता क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये जो एक वेक्टर होती है ना, अब ये बॉक्स बना के लिख लेना, ये दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी. अब ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है ना, जैसे ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये है अपने पास एक वेक्टर ही है ना, इसका रिजल्ट एक वेक्टर आएगी. तो ये जो वेक्टर होती है ना, कौन से प्लेन में होती है? ये प्लेन में होती है, ए क्रॉस बी वाले प्लेन में, और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी. तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, सीधे याद रखो. देखो मैं समझाऊंगा, चार लोगों के समझ में आएगा, पांचों के समझ में नहीं आएगा, कुछ के आएगा कुछ के नहीं आएगा, उससे बेहतर है मैं सीधा आपको रिजल्ट बताऊं, समझा भी दूंगा आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आगे. पर अभी के लिए ये देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. तो ये जो रिजल्ट, ये जो वेक्टर है ना, ये जो अपना वेक्टर है, ये खुद भी तो एक वेक्टर है ना. तो ये जो वेक्टर है इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, और इसके परपेंडिकुलर है. बस ये ध्यान रखना कि सर अगर ऐसा आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया तो क्या करेंगे, तो इस प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर है, बस ये ध्यान रखना. अब देखो नेक्स्ट क्या आया, अब ये पता है, यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एंड कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो ए वेक्टर और बी वेक्टर वाले प्लेन के साथ में ही, उसी प्लेन पे प्रेजेंटेड है. कोप्लेनर का मतलब यही तो होता है ना, उसी प्लेन में है. समझ आया क्या हुआ? बस ये रिजल्ट याद रखना. देखो अब ऐसे ही यहां पे, जैसे ये बी क्रॉस सी वाले प्लेन में है और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी वाले प्लेन में है और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है. अभी अभी इस पे सीधा रिजल्ट पूछा जाता है. ये वाला जो पॉइंट है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सीधा आपको याद होना चाहिए. क्या
अ यूनिट वेक्टर, अब देखो यूनिट वेक्टर नहीं होता, ओनली वेक्टर होता, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड इन अ प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के प्लेन में है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस ए वेक्टर। समझ आया क्या हुआ? कि सर इसकी वैल्यू तो जीरो होती थी ना? नहीं, ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये दोनों सेम होते थे ना तो जीरो होता था, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी क्रॉस है यहाँ पे भी क्रॉस है, ये जीरो नहीं होगा। समझ आई बात? मतलब ए वेक्टर के परपेंडिकुलर और ए क्रॉस बी के प्लेन में है, सीधा ध्यान रखो। देखो क्योंकि ये लास्ट के चैप्टर से, अगर इसमें आप ऐसे सिक्वेंस एंड सीरीज जैसे फॉर्मूला बेस्ड या फिर अपने जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में सब समझ में आता था, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। जैसे अपना अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग अपना उसमें लगाने लग जाओगे ना कॉनिक सेक्शन में, तो कॉनिक सेक्शन में भी आप उलझते चले जाओगे। सिंपल मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इतने ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन जेई मेन में नहीं पूछे जाते हैं, जेई एडवांस में आते हैं वो क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे, उसके लिए कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिक है क्या? अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड इन अ प्लेन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस ए वेक्टर। समझ आ गया? अब इसने क्या पूछा? यूनिट वेक्टर, तो इसका मॉडुलस का डिवाइड हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन दो तरफ होती है, एक तो इधर आपकी तरफ और एक पीछे मेरे पीछे, तो दोनों की डायरेक्शन में चेंजेस हैं, तो माइनस का वेरिएशन आ जाएगा, पता है ना? ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए का मॉडुलस। ठीक है, तो ये समझ आ गए होंगे आपको। क्वेश्चन करते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, बस आगे चलते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड। देखो जो पहला क्वेश्चन है अपन पहले से भी जानते हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस है, सीधा रिजल्ट ए बी सी बॉक्स का होल स्क्वायर होता है, पहले ही मैंने आपको याद करवाया, पर अभी अपन कोशिश करते हैं इसको प्रूफ करने की। पहले भी अपन ने किया तो है, पर अभी अपन क्रॉस प्रोडक्ट से इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो इस बॉक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ऐसे ही होगा, ये तो होता है डॉट प्रोडक्ट। A B C कितना हो जाता है, A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, ये तो सीखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अब यहां पे मैंने इसको एक नया वेक्टर सपोज कर लिया, K वेक्टर सपोज करो, है ना, तो अभी ये कितना हुआ, A क्रॉस C क्रॉस K वेक्टर, ऐसा बोर्ड में आपको ऐसे प्रूफ करना रहेगा, तो अपन आराम से इसको प्रूफ करते हैं। देखो A क्रॉस B वेक्टर डॉट अंदर हो जाएगा, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर क्रॉस K वेक्टर, K वेक्टर की वैल्यू अपन को पता है क्या है। ठीक है, अब इसको ओपन करो, कौन सा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 1 3 2 - 1 2 3, तो A वेक्टर डॉट के वेक्टर ना, के कैप आ जाता है बार बार, के वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू के वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। अब के वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, के वेक्टर की वैल्यू पुट करो तो ए वेक्टर डॉट के की वैल्यू सी वेक्टर डॉट क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, C वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट C वेक्टर इनटू कितना हो जाएगा, C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ओके, ये दोनों सेम है तो ये तो पूरा जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, तो बचा क्या अपने पास, अपने पास बस ये बचेगा। अब देखो यहाँ पे अपने पास ये पूरा जीरो हो गया और अंदर बच रहा है दो, ये देखो A क्रॉस B और यहाँ पे बचेगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और अंदर बचेगा ये दो, ये डॉट प्रोडक्ट है और अंदर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, B वेक्टर डॉट C वेक्टर इनटू C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। तो ये मिलके क्या बना देंगे अपने पास, देखो ये जो C है ये इसको दे दो तो ABC बॉक्स ऑफ ABC बनाएगा। अब यहाँ पे B बचा, B और ये दोनों AC, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बॉक्स ऑफ ABC। एक में नेगेटिव का जैसे माइनस बार आ रहा था ना, यहाँ पे माइनस बार है, तो ये C क्रॉस A को A क्रॉस C लिख देना, ये जो C क्रॉस है ना इसको A क्रॉस C लिख देना, तो ये भी बॉक्स ऑफ ABC बनाएंगे दोनों का, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ABC बॉक्स का होल स्क्वायर।
बाकी देखो अगर आपने सीधा रिजल्ट याद किया हुआ है वो भी चलेगा, कंपटीशन में तो कई बार आता है ये सीधा यूज करना पड़ता है अपन को। तो अगर आप सीधा रिजल्ट याद रखोगे ना इसका कि हाँ इसका रिजल्ट कितना होता है ए बी सी बॉक्स का होल स्क्वायर, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सीधा रिजल्ट याद रखना, प्रूफ कैसे करना है वो भी आपको समझ आ गया, या फिर अपन ने एक तरीके से और प्रूफ किया था इसको, याद होगा वो भी आपको, क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात है। दूसरा देखो क्या है, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो है। अपन से क्या पूछा है, डी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन डी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये अपन से पूछा है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सिंपल है, आसान है और अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो इस कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ए वेक्टर इस पूरे को क्रॉस डी वेक्टर कर दिया, क्योंकि मेरे को बी क्रॉस डी की वैल्यू पता है ना जीरो है, तो ए क्रॉस डी की वैल्यू आ जाएगी, ए क्रॉस डी की वैल्यू मेरे को यहाँ पे यूज होगी, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन का क्रॉस डी किया, तो ए क्रॉस डी वेक्टर होगा इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर होगा प्लस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये क्वेश्चन में ही जीरो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये जीरो दिया हुआ है, तो ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब अपन से किसकी वैल्यू पूछी थी, अपन से पूछा था इसने डी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस डी, बट ए क्रॉस डी की जगह मैं क्या यूज करूंगा, सी क्रॉस डी, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ओके अपॉन डी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। समझ आया क्या हुआ, ओपन कर दो 1, 2, 3 - 1, 3, 2, तो 1, 3, 2, तो डी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस 1, 2, 3, तो डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर, ऐसा होगा। और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर या डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसकी वैल्यू जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो गया अपॉन डी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। डी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर ये भी क्या है, डी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर है ना, डी वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या होगा, डी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, सेम वेक्टर के बीच में एंगल तो जीरो होगा, कॉस जीरो आएगा वहां पे, तो ओनली क्या बचा, सी वेक्टर। तो फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सी वेक्टर। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो सिंपल होते हैं आसान होते हैं पर फिर भी बच्चे नहीं कर पाते उनको। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जीरो दी हुई है, ए वेक्टर का मॉडुलस 1 है, बी वेक्टर का मॉडुलस 1/2 है, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, IIT में पूछे गए हैं मेन में, ये दो क्वेश्चन है, ये IIEEE में पूछे गए थे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, अभी इसमें देखो अंदर बहुत बड़ी टर्म है, अपन से वैल्यू पूछी, इसकी वैल्यू बताओ, फाइंड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस, ए वेक्टर क्रॉस अंदर है, ए वेक्टर क्रॉस, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस बी वेक्टर, ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, बस इसका मॉडुलस पूछा है अपन से क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अंदर वाला ब्रैकेट इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, समझे, तो देखो ये तो वैसा का वैसा आ जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस, अब इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, पूरे इसकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है 1, 3, 2 - 1, 2, 3, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। अब ये तो जीरो दिया हुआ है, ये जीरो, तो ये पूरा ही जीरो हो गया, ठीक है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर कॉस जीरो, वो तो वन होता है, और ए वेक्टर का मॉडुलस कितना दिया हुआ है, वन, तो इसको मैं सीधा कितना लिख दूं, वन, तो वन इंटू ओनली क्या बचा, माइनस का बी वेक्टर बचा यहाँ पे, तो है ना, ये नेगेटिव तो रहेगा ना, तो माइनस का बी वेक्टर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस, देखो ए वेक्टर क्रॉस यहाँ पे माइनस का बी वेक्टर है, तो उस माइनस को मैं बाहर लिख दूं क्या, लगा सकता हूँ ना बाहर, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया उस माइनस को, या तो यहाँ लगाना हो तो यहाँ लगा दो, या फिर यहाँ पे लगा दो, दोनों में से एक ही बात है, या फिर ऐसा था, है ना, तो मैंने इसको क्या किया, बी क्रॉस ए कर दो इसको, और कोई कुछ थोड़ा ना होगा, या फिर वो जो माइनस यह वाला है ना, यहाँ लगा दो, बात एक ही, या फिर यहाँ लगाओ उसके बाद यहाँ लेके आओ, एक ही बात है,
या फिर ए क्रॉस को ए क्रॉस बी क्रॉस ए कर दो, वो भी एक ही बात है। तो ये मॉडुलस माइनस को खा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा है अगेन, तो इसको सॉल्व करो 132 माइनस 123, तो ए डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू बी वेक्टर, ठीक है मॉडुलस। अब ये अगेन जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, माइनस अगेन मॉडुलस पॉजिटिव कर देगा। ये कितना बचा, ये है ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, और अब ये मॉडुलस अंदर भी आएगा तो बी वेक्टर का भी मॉडुलस हो जाएगा, बाहर वाला मॉडुलस है ना, इसके ऊपर भी तो आएगा ना, बी के ऊपर। तो ए वेक्टर का मॉडुलस 1 है, बी वेक्टर का मॉडुलस 1/2। कितना आंसर हुआ, 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जो कि सिंपल होते हैं काफी। और इसके बाद देखो, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी काफी आसान है। उसमें क्या है देखो, कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, ए कैप क्रॉस बी कैप क्रॉस सी कैप इक्वल्स टू 1/2 बी कैप, ए कैप क्रॉस, ठीक है। एक इक्वेशन ये दी हुई है, तो अपन से क्या पूछा है, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर और ए कैप एंड बी कैप, इसके बीच में भी एंगल बताओ, इसके बीच में भी एंगल बताओ, वेयर बी कैप एंड सी कैप आर नॉन कोलिनियर, एक ही लाइन में नहीं है वो, नॉन कोलिनियर होंगे। तो अपन से क्या पूछा है, देखो अपन से पूछा है उसने ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ओपन करो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, सारे के सारे यूनिट वेक्टर है, तो ओपन करोगे 132 माइनस 123, 132 माइनस 123 याद रखना अच्छे से, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो 13 ए कैप डॉट सी कैप इंटू बी कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप इंटू सी कैप इक्वल्स टू 1/2 बी कैप। देखो सी कैप तो है नहीं ना यहाँ पे, इधर तो बी कैप आ रहा है, सी कैप नहीं आ रहा, तो मैंने क्या कर लिया, जीरो सी कैप, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। अब कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो ये 1/2 किससे कंपेयर होगा, इससे, मतलब ए कैप डॉट सी कैप इक्वल टू 1/2, मतलब ए वेक्टर का मॉडुलस सी वेक्टर का मॉडुलस, अब ये तो यूनिट वेक्टर है ना, तो ए कैप का मॉडुलस 1 ही होने वाला है, सी कैप का मॉडुलस भी 1 होने वाला है, तो सीधा मैं कॉस थीटा लिख दूं, एंगल बिटवीन ए एंड सी, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पाई बाय 3, कितना एंगल आया पाई बाय 3। दूसरा जब इसको कंपेयर करोगे तो कितना है वो, जीरो, तो ए वेक्टर ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 0, मतलब थीटा इक्वल टू, या फाइल ले लो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो कितना हो जाएगा अपने पास पाई बाय 2, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। अब ए कैप का मॉडुलस 1 होगा, बी कैप का मॉडुलस भी 1 होगा, पर क्या नहीं है यहाँ पे, बस पर वैल्यू जीरो आने के लिए जरूरी है कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस की वैल्यू जीरो हो, कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, जब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, तो ए और सी के बीच में एंगल है पाई बाय 3, ए और बी के बीच में एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन से आपको जो बेसिक अपन ने पढ़ा है वो समझ आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक दो लेक्चर में ये जो थ्योरी और जो है क्वेश्चंस वो एंड हो जाएंगे इस चैप्टर के। उसके बाद अपन 2019 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से वो सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।